एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक टॉप लेकर आई हूँ, जो कि हमने बहुत ही कम ऊन में बनाया है, बहुत कम टाइम में बनाया है और बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्टाइलिश सा लुक आता है। तो इस वीडियो में हम आपको हाफ टॉप बनाना बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों बाजू और बॉर्डर बनाना बताएंगे। तो एक स्वेटर भी बन जाएगा जो कि जीन्स पे या फिर आप किसी भी कुर्ती पे पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने गला बनाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाजू वाजू बता देंगे कैसे बनानी है। तो यहाँ पर साइज़ की बात करें तो हमने एम साइज़ बनाया है, बट आपको अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना है या इससे छोटा साइज़ बनाया है तो इसी वीडियो में आपको पूरा सब पता चल जाएगा, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा आप बना सकते हैं। एकदम स्टाइलिश सा लुक आता है, बहुत ही प्रिटी लगता है, कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने 20 चैन ले ली हैं। 20 चैन लेने के बाद अब 3 चैन एक्स्ट्रा ले रहे हैं और चौथी वाली चैन में डालेंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है? जब आप अगर बच्चे का बनाएं तो आप 15 चैन से स्टार्ट करें और जिस हिसाब से आप जितना भी छोटा बच्चा का बना रहे हैं उस हिसाब से चैन कम कर लें। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हर चैन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। इस पूरे रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, हर चैन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं इस तरीके से बनाना है। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी सारे लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अब देखिए पूरा हम इतना बना लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इतनी बना ली है, 20 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर इसको घुमाया। अब देखिए इस वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इस रो को भी हमें डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हर चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, पूरा इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो इतना हमने बना लिया है, देखिए इतना हो गया। अब देखिए लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब दो चैन लेकर, अब देखिए जो आपको ये वाला फंदा दिख रहा है इसमें डालेंगे हम, ये लास्ट में जो डबल क्रोशिया का ये वाला फंदा है इसमें हम डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और। टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया के अंदर बना लिए। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2। अब इसको घुमाकर इस साइड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट वाली चैन में डाली एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके पास वाली चैन में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा हमारे पास, फिर इसके पास वाली चैन में डालेंगे 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा यहाँ पर डालकर। इस तरीके से हमें बनाना है। तो इस वाली रो में हम हर चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जितनी भी हमारे पास चैन दिखेंगे हर चैन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है? तो पूरी रो हम कंप्लीट करने के बाद इस ऊन को कट कर देंगे, फिर हम वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद ऊन को कट कर देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम 1 2 3 3 रो हमने बनाने के बाद ऊन को कट कर दिया था। अब हम वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। तो वाइट कलर की ऊन कैसे ज्वाइन करना है, जैसे कि हमारा धागा जो हमने कट किया था, ठीक है? अब हम दिखाते हैं, इस सीधे साइड में हमें ऊन को ज्वाइन करना है, मतलब जो वाइट कलर की ऊन से डिज़ाइन बनाएंगे वो सीधे साइड में आना चाहिए, राइट साइड में आने चाहिए, पीछे के साइड नहीं आने चाहिए, रॉन्ग साइड में नहीं आने चाहिए। अब देखिए 3 चैन लेंगे वाइट कलर की ऊन से। अब हम फर्स्ट चैन में डाल के 3 चैन ले ली। अब देखिए एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चैन को हम छोड़ेंगे, सेकंड वाली चैन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो आपको एक गैप दिख रहा है इसके अंदर डालेंगे, एक बार फंदे निकाले, दो बार निकालेंगे, फिर से क्रोशिया में फंदे लिए और वापस इसी जगह से फिर से निकालेंगे, 3 बार हो गए और 4 बार। 4 बार फंदे निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इसको भी हम एक साथ निकालेंगे, इसको भी एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। तो एक डिज़ाइन बन के, अब फिर से हम एक चैन को छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन में डालेंगे। देखिए एक डिज़ाइन हमारे पास बन गया, अब फिर से हम एक चैन छोड़ेंगे सेकंड वाली चैन में डाल के फिर से बनाएंगे।
ठीक है, एक चेन छोड़ी सेकंड वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब जो आपको एक गैप दिख रहा है इसके अंदर हम चार बार फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार। चार बार फंदे निकालने के बाद सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे भी इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर कोई चेन नहीं लेनी है हमें, ठीक है। अब फिर से देखिए, एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली चेन में डाल के फिर से हम बनाएंगे इस डिज़ाइन को। तो इस डिज़ाइन में हमने एक पूरा कार्डिगन बनाया है, काफ़ी सारे लोगों ने उस कार्डिगन को पसंद किया है, स्वेटर को। ओपन है आगे, इससे खुला हुआ स्वेटर है, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हाफ स्वेटर बनाना बताइए, हाफ टॉप बनाना बताइए इस डिज़ाइन में। वही वाली डिज़ाइन हमने इसमें डाली है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। एकदम से सिंपल सी डिज़ाइन है, बस एक चेन को हमें छोड़ना है, सेकंड वाली चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाना है और आपकी डिज़ाइन बनती जाएगी। देखिए, एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए वापस इसके अंदर डालेंगे गैप के अंदर, इसके अंदर से चार बार फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार। चार बार निकाले, सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, फिर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। इसी तरीके से फिर से एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली चेन में डालेंगे और फिर हम इस तरीके से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया इसके अंदर डालेंगे, चार बार में फंदे निकाले और सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। दो इसको भी निकाल दिया, हम यहाँ तक बना के लाएंगे, फिर जो हमने दो चेन ली थी उसमें क्या करना है बताते हैं। तो ये एक चेन छोड़ी, देखिए फिर से हम क्या करेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और जो हमने दो चेन ली थी अभी, एक चेन छोड़ी इसके अंदर डालेंगे, इस गैप के अंदर डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, अब इसके अंदर डाल के फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, दो हो गया, तीन और चार। चार बार में फंदे निकालने के बाद सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे भी इस तरीके से हम निकाल देंगे। अब दो चेन लेंगे हम, एक दो, दो चेन लेने के बाद वापस इसी जगह डालेंगे, ठीक है, इसी जगह डालेंगे हम यहाँ पर। देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो गैप दिखेगा इसके अंदर हम डालेंगे, चार बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे फिर से एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से निकाल दिया। और फिर से देखिए अब हम क्या करेंगे, जो तीन हमने डबल क्रोशिया बनाई थी इसके अंदर हमें क्या करना है, एक चेन छोड़नी है सेकेंड वाली चेन में, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है जैसे अभी हमने बनाया था वैसे ही, और फिर से इसके अंदर हम चार बार फंदे निकालेंगे गैप के अंदर डाल के और फिर डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। सारे फंदे निकालेंगे के साथ दो फंदे हैं, इसको भी एक साथ निकाल देंगे। अब फिर से हम एक चेन छोड़ेंगे और इस वाले गैप के अंदर डालेंगे, इसके अंदर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार बार में फंदे निकालेंगे इस तरीके से और फिर सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर दो फंदे रह गए, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। दो चेन लेंगे हम, तो जो हमें दो चेन लेनी है वो इसी साइड में लेनी है, कॉर्नर पर हमें लेनी है और बाकी हमें कहीं पर भी चेन का यूज़ नहीं करना है। अभी आपको हम दिखा देंगे, तो इस तरीके से देखिए फिर से चार बार में फंदे निकाले और सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे इसको भी हम इस तरीके से निकालेंगे। अब फिर देखिए हम एक चेन छोड़ेंगे, एक चेन छोड़ेंगे सेकेंड वाली चेन में फिर से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया है, फिर से इसके अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से बनाना है। तो हमने जो दो चेन लिए बस वो हमें यहीं पर बनानी है, दो दो चेन लेनी है और बाकी कहीं पर भी हमें चेन नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते हुए पूरा नीचे तक कंप्लीट करना है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा, अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा हो, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। देखिए फिर से एक चेन, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अब देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसके अंदर फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे रह गए इसको भी हम एक साथ निकालेंगे। अब इसको हम इतना कंप्लीट करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इतना हमने बना लिया है, अब ये लास्ट वाले में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट की हमारे पास दो चेन बची हैं, तो हम सबसे पहले एक चेन लेकर और सेकेंड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है, थ्री चेन ली हैं, देखिए वैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम एक चेन लेंगे और लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। तो जैसे हमारे स्टार्टिंग में हुआ थ्री चेन ली, वैसे ही लास्ट में आ गया। अब इस ऊन को हम कट कर देंगे और फिर ब्लैक कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे। ब्लैक कलर की ऊन को पहले हम थ्री चेन बनाएंगे, थ्री चेन बना ली। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाले, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो डबल क्रोशिया आपको हमने बता दिया, दो दो फंदे करके निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। सेकंड चेन में भी बनाया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इस देखिए हर चेन में डाल के एक एक हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पर हमने दो दो चेन ली थी
ऊपर के साइड में, अभी हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या करना है, ठीक है। तो हम इसमें हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत लगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, हर चेन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें भी डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी। देखिए अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह फिर से डालेंगे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गई हमारे पास। अब फिर से हम दो चेन लेंगे, एक और दो, दो चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इसके पास में जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, यहाँ पर जितनी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से एक गैप जो आपको दिखेगा, यहाँ पर हमने दो चेन ली थी, वहाँ पर हमें फिर से वही करना है, दो डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक बनाई, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से बनाएंगे, दो हो गई। अब दो चेन लेंगे हम, ठीक है, एक और दो, दो चेन लेने के बाद वापस इसी जगह डाल के फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, ठीक है। तो इस तरीके से चौकोर बनकर आ जाएगा आपका पैटर्न, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड में भी हमें हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, जितनी भी चेन देखेंगे हर चेन में डालेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, तो एकदम से चौकोर आपका पैटर्न आ जाएगा। अब सेकेंड रो में क्या करना है कि सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, इस जगह हम तीन, पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, क्योंकि अभी हमारा पूरा चौकोर नहीं आया है। आप देखेंगे थोड़ा सा तो अभी चौकोर पूरा नहीं है, हल्का सा तिरछा लग रहा है, इसलिए अब हम सेकंड रो में क्या करेंगे, इस जगह तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एकदम से चौकोर पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम फिर से तीन चेन लेंगे, इसमें एक दो तीन, तीन चेन लेकर, और देखिए हर चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार, पाँच, तो हमें यहाँ तक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो हमने देखिए इतना बना लिया, फिर से हम बीच में आ गए हैं गैप में, इसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले देखिए इसके अंदर डालेंगे, पहले हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, वापस इसी जगह डालेंगे दो, फिर से इसी जगह डालेंगे तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम दो चेन लेंगे, एक दो, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन हो गया। अब देखिए जितनी भी आपको ये चेन दिखेंगी हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अब फिर से हम इस जगह आके गैप में आ गए, इसमें फिर से हम तीन डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे और फिर दो चेन लेंगे हम, एक दो, फिर से इसी जगह डाल के फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया, दो और तीन, तीन हो गया, ठीक है। इस तरीके से बन गया है। अब जितनी भी आपको ये चेन दिखेंगी, देखिए इस जगह हमें खाली चेंज करना था, अब एकदम से चौकोर पैटर्न हमारा हो गया है। अब जितनी भी आपको चेन दिखेगी हर चेन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाकर नीचे तक लेकर जाना है, हर चेन में डालते जाना है, फिर हम इतना बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इतना बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा, हमारे दो पैटर्न तैयार हो गए, दो रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
ब्लैक कलर से। देखिए दो रो हमने करी है, अब तीसरी रो भी हमें सेम ऐसी ही बनानी है। तीन चेन लेकर स्टार्ट करेंगे, इस रो को भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए तीन चेन ली, हर चेन में डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया दो चेन तीन डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पर हमें सेम वैसे ही बनाना है। तो इसके बाद हमें वाइट कलर की ऊन ज्वाइन करनी है, तो हमें इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा, तीन रो बनाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तीन रो हमने ब्लैक कलर से बना ली। देखिए अब ये डिज़ाइन हमें फिर से बनानी है, तो जब ये डिज़ाइन आप बनाएंगे ना तो राइट साइड से बनाएं तो ज़्यादा उभर कर आएगी। ये देखिए रॉन्ग साइड है हमारा, इधर से अब अगर आप बनाएंगे तो ये डिज़ाइन इतनी उभर कर नहीं आएगी। तो अगर आपका धागा किसी भी साइड ख़त्म होता है बट आपको राइट साइड से ही यूज़ करना है, जैसे हमारा धागा ब्लैक कलर का इधर ख़त्म हो रहा है बट हमने यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है, इस साइड से करेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन आएगी वो आगे की साइड आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए तीन चेन ले ली, अब फिर से हम एक चेन का गैप देखिए सेकंड वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम डाल के चार बार में धागा निकालेंगे। देखिए एक बार निकाला, दो, तीन और चार, चार बार में धागा निकालने के बाद सारे फंदे हमें एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। लास्ट के दो फंदे रह गए, इसको भी हम एक साथ निकालेंगे। अब फिर से हमें वही करना है, देखिए एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली चेन में डालेंगे, ठीक है, एक चेन छोड़ी इस वाले में डाल के पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे जो गैप आपको दिखेगा इसके अंदर डालेंगे, चार बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए सारे फंदे हम फिर से एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, और ये लास्ट के दो फंदे हैं, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनानी है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, और आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते हुए पूरा यहाँ तक लेकर आना है, फिर इसके अंदर कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया, अब फिर से इस गैप में हम आ गए, एक चेन को हमने छोड़ा सेकेंड वाली चेन में, इस गैप में हमने डाला है, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद चार बार में फंदे लिए, सारे फंदे फिर से एक साथ निकाल दिए, फिर दो फंदे जो लास्ट के हैं इसको भी हम एक साथ निकालेंगे। अब फिर हम दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद वापस इसी जगह डाल के पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर गैप जो आपको दिखेगा इसके अंदर डाल के फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे, दो फंदे बचे इनको भी एक साथ निकालेंगे। अब फिर एक चेन का गैप दिया, सेकंड वाली चेन में फिर से डालेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे हम। कुछ फंदे हैं इसको भी एक साथ बना देंगे, फिर एक चेन का गैप देके सेकंड वाली चेन में डाल के फिर पहले डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके अंदर डाल के चार बार में फंदे निकालेंगे इस तरीके से, फिर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे इनको भी एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको भी बनाते हुए लेकर आना है, इस जगह तक लेकर आना है, फिर इसके अंदर हम बताते हैं कि क्या करना है। तो इसके अंदर हम फिर वही करेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए चार बार में फंदे निकाले, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, सारे फंदे एक साथ निकाल के, और लास्ट के दो फंदे हैं इसको भी हम एक साथ निकालेंगे, और यहाँ पर एक दो दो चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम चार बार में फंदे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से सारे फंदे निकाल दिए। तो इस डिज़ाइन को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली, दो रो हमारी डिज़ाइन की बन चुकी है, लास्ट का फिर से हमारे पास दो चेन बची हैं, तो एक चेन को हम छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन, देखिए लास्ट में हमारे पास जो चेन बची है एक चेन छोड़ के सेकेंड वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो लास्ट के फंदों में हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। अब फिर से हम ब्लैक कलर की ऊन लेंगे, फिर से हम स्टार्टिंग में थ्री चेन लेंगे, चेन लेने के बाद इसको घुमाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, सेकंड वाली चेन में डालेंगे इसके पास वाली में, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इसको हम पूरा डबल क्रोशिया से कंप्लीट करते हुए लेकर आएंगे इस जगह तक, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हमें यहाँ तक बना लिया है। अब फिर इसके अंदर हमें फिर से क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस डालेंगे इसके अंदर, दो डबल क्रोशिया हो गया, तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम दो चेन लेंगे, बस इसके अंदर फिर से डालेंगे इसी जगह डाल के, फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इतना हो गया। अब फिर से हम जितनी चेन आपको दिखेंगी हर चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जितनी भी आपको चेन दिखेंगी हर चेन में डालेंगे और दूसरे वाले कॉर्नर पर भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाते जाना है, दूसरे वाले कॉर्नर पर भी हमें इसी तरीके से बनाएंगे। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया से। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर बनाते हुए हम पूरा नीचे तक यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए एक रो हमने बना ली है, सेकंड रो भी ऐसे ही बनाएंगे। इस जगह पे हम तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह पे सेम ऐसे ही करेंगे। अब पूरा हमने देखिए दो रो हमने बना लिए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, तीन रो ब्लैक कलर के बनाने के बाद डिज़ाइन डाल रहे थे। अब हम दो रो ब्लैक कलर के बनाने के बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। तो हमने दो बार डिज़ाइन ब्लैक कलर से बना, वाइट कलर से बना लिया। अब तीसरी बार हम बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में हमने फिर से तीन चैन ले ली, फिर से हमें सेम रिपीट करना है। चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब बीच में डाल के फिर से चार बार फंदे निकालेंगे। इस तरीके से बनाए दो फंदे रहे, इसको भी एक साथ निकाल लिया। फिर एक चेन का गैप दिया, सेकंड वाली चेन में फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हुए लेकर जाएंगे कॉर्नर पर। क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिंपल सी डिजाइन है, देखिए इतना हमने बना लिया। अब कॉर्नर पर हम आ गए, यहाँ पर सेम हमें रिपीट करना है। इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब इसके अंदर चार बार में फंदे निकालेंगे, एक हो गया, दो, तीन, चार। चार बार में निकालने के बाद सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, लास्ट के दो फंदे भी निकालेंगे। दो चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से ये वाली डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। इस तरीके से मैं डिज़ाइन को बनाना है, एक चेन छोड़नी है, सेकंड वाली चेन में डिज़ाइन डालनी है। तो इसको हम कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसे कॉर्नर पर कैसे बनाना है वहाँ तक हमें लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस वाले पर आ गए, अब हमें इसमें क्या करेंगे, हम दो, एक चेन ले ली हमने, एक चेन छोड़ी, सेकेंड वाली चेन में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेकर अब इसको हम कट कर देंगे। अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ाना है, तो हमने सिर्फ अभी हम आपको रख कर दिखाते हैं हमने कितनी डिज़ाइन बनाई है। देखिए दो डिज़ाइन तक हमने पूरा घुमाते हुए लेकर आए। अब इस वाले डिज़ाइन को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाया, नीचे हम लेकर नहीं जाना है हमें। अब इसके बाद हमें नीचे तक लेकर नहीं जाना है, बस यहीं से यहाँ तक ही बनाकर घुमाना है, ठीक है। अब फिर से यहाँ तक लेकर आएंगे हम ब्लैक कलर की ऊन से। तो इस जगह हमें अब नहीं बनाना है, बस हमें उतने में ही घुमाना है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए ब्लैक कलर की ऊन को हमने ज्वाइन किया, सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको थ्री चेन बनाने के बाद थोड़ा पास से आपको दिखा दें। देखिए देखिए थ्री चेन बना ली, अब इस जगह डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से और भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कॉर्नर पर हमें सेम करना है। तो देखिए इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और हम कॉर्नर पे हमें क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तक बना कर लाएंगे, फिर इसमें हमें क्या करना है फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस जगह हम डालेंगे, इस बार देखिए ध्यान से देखिएगा, एक, दो, दो डबल क्रोशिया हमने बना ली, ठीक है। अब दो चेन लेंगे, अब फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। तो जब हम दो डबल क्रोशिया हो गया, अब देखिए फिर से हम इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक हम कॉर्नर पर तीन तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हमें दो दो बनानी है, ठीक है। यहाँ तक हम बना कर लाएंगे, तो हमने यहाँ तक बना लिया है ब्लैक कलर की ऊन से। अब फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे, फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। यहाँ तक कॉर्नर पर हमें सेम वही करना है, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर देखिए फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस रो को हमें फिर से बनाना है। देखिए यहीं से हमने घुमा लिया है, इसको नीचे तक नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो दो, तीन, तीन चेन हो गई। अब फिर से हम इसको घुमाएंगे, देखिए सेकंड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम बनाते हुए इसको लेकर आएंगे
और यहाँ पर हमें सेम रिपीट करना है, नीचे तक हम ऐसे ही लेकर आएंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दो रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से हम ये डिज़ाइन डालेंगे वाइट वाली, फिर दो रो बनाएंगे हम। इस तरीके से हम बनाते हुए इसको कंप्लीट करते जाएंगे और हम आपको दिखाते हैं। तो हमने देखिए इतना बना लिया है, देखिए इतना हमने बना लिया है, यहाँ से हमने जो आपको दिखाया था, फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन हो गया, चार पाँच छः, छः तक हमने बनाया है। देखिए अगर आप साइज़ की बात करें तो एम साइज़ वालों के बिल्कुल ठीक आने वाला है। अगर आप लोगों को एक्सल साइज, डबल एक्सल या जो भी आपका साइज है, तो आप इसी तरीके से कुछ रो और बना लें, आपका साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने एम साइज़ बनाया है तो इतना साइज़ हमने रखा है, चौड़ाई इतनी रखी है, तो इसी तरीके से आप और बनाएंगे तो चौड़ाई और बढ़ जाएगी। अब हमें लेंथ बढ़ानी है, लंबाई इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है, क्योंकि लंबाई थोड़ी कम लग रही है, तो हम थोड़ी लंबाई बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर हम यहाँ से अटैच करेंगे वाइट कलर की ऊन, क्योंकि हमने ब्लैक कलर से दो रो बना ली है, वाइट कलर का टर्न है इसलिए हम सॉरी वाइट कलर का है तो हम वाइट कलर से बनाएंगे। तीन चेन बना ली, अब देखिए इस वाली जगह डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया बनाकर अंदर डाल के, फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, लास्ट के दो भी निकाल दिए। अब फिर एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में डाल के फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम चार बार फंदे निकालेंगे। फंदे एक साथ निकाल के दो फंदे भी इस तरीके से निकाल देंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में फिर से डालेंगे। तरीके से हम बना रहे हैं, देखिए तो हम इसको, इस डिज़ाइन को हम बनाते हुए, देखिए बनाते हुए हम लेकर जाएंगे यहाँ तक, हम बनाएंगे सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए इतना बना लिया हमने, अब इसके बाद हम यहाँ पर दो रो ब्लैक कलर की बनाएंगे इसके ऊपर, फिर दो रो ब्लैक कलर के बनाने के बाद फिर से एक रो हम वाइट कलर की बनाएंगे, डिज़ाइन डालेंगे। इसी तरीके से हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इतना बना लिया है, देखिए यहाँ तक बनाने के बाद हमने फिर तीन रो वाइट कलर की बनाई है, और तीन रो बनाने के बाद देखिए इतना हमारा बन गया। लंबाई हम आपको दिखा दें तो हमने लंबाई जो रखी है देखिए 22 इंच की लंबाई रखी है, ठीक है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखी है, आपको अगर और भी लंबा बनाना है तो आप और बढ़ा लें इसकी लंबाई। अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे चौड़ाई बढ़ानी है। हमने यहाँ पे 17 इंच की चौड़ाई रखी है, क्योंकि एम साइज़ वालों के बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है, मैंने आपको पहनकर भी दिखाया था तो एकदम ठीक आने वाला है। तो चौड़ाई भी हमने आपको बता दिया कैसे बनानी है। और देखिए अब हम सेम ऐसा ही हमने पार्ट एक और बना लिया है, तो यहाँ पर हमने कोई भी मुड्ढे नहीं कटाए हैं, कोई भी गला नहीं बनाया है। बट अगर आप लोग गला बनाना चाहते हैं तो हम एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से आप चेक कर लें, उसमें हमने गला बनाना बताया है कैसे बनाना है, तो उसी तरीके से आप गला बना सकते हैं। बट हमने यहां पर कोई भी गला नहीं घटाया, कोई भी मुड्ढे नहीं घटाए, एक सा बिल्कुल बना लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको ऊपर को हम ज्वाइन करेंगे, तो हम 4 इंच पर मुड्ढे ज्वाइन करेंगे, देखिए 4 इंच पर ज्वाइन करेंगे मुड्ढे पहले हम, देखिए इतना कर लेंगे, या आप 5 इंच पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलाई लगानी है नॉर्मल, हमें जैसे सिलाई लगाते हैं हम, तो लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, खाली दोनों मुड्ढे पर सिलाई लगा लेंगे, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। इतना यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड भी सेम रखेंगे हम। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, गला हमारा आपको दिखने लगा है, इस तरीके से बन गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड सिलाई लगाएंगे, तो कितना हमें सिलाई लगानी है, तो हम मुड्ढे पर 6 या 7 इंच का छोड़ेंगे मुड्ढे, ठीक है 6.5 या 7 इंच के मुड्ढे हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम नीचे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, आप 6 इंच पर लगा सकते हैं, और अगर एक्सल साइज है तो आप 7 इंच पर या 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, जैसा आप देख लें, आप कोई स्वेटर हो आपका उस हिसाब से बना लें। तो हम यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाते हैं, देखिए लगाने के बाद हम आपको सीधा पहनकर दिखाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बॉर्डर बनाना बताएंगे और आस्तीने बनाना बताएंगे कि ये बाजू कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहन लिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हाय बन बेकल टम वकुल सब्सक्राइब करना ना को सब्सक्राइब करो ना, उनको लाइक कर लो।
तो अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो मेरी बहुत ही क्यूट सी भतीजी है, भाई की बेटी है, बोल रही है कि मेरी बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो उनको। तो प्लीज़ अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी जरूर प्रेस करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो।